आज अनंत चतुर्दशी है, आज गणपति बप्पा को विदाई दी जा रही है। मुंबई समेत महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की खास धूम रहती है। 10 दिनों की पूजा अर्चना के बाद आज बप्पा विदा लेंगे। आज गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए बड़ी संख्या में भक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं। इस दौरान सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। मुंबई पुलिस के कई अधिकारी और हजारों जवान आज सुरक्षा का जिम्मा संभाले हुए हैं। सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से भी लोगों पर नजर रखी जा रही है। और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह का, जो मुंबई में लालबाग के राजा के पास मौजूद हैं। सुनील, अगले बरस तू जल्दी आके वादे के साथ आज गणपति बप्पा को विदाई दी जा रही है और आप उस जगह पर हैं जहां पर सभी लोग जाना चाहते हैं। कैसे इंतजाम, कैसी तैयारियां? बिल्कुल अदिति, मैं इस समय मन्नतों के राजा जिन्हें कहा जाता है उनके गणपति पंडाल के ठीक सामने खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग आतुरता से इंतजार कर रहे हैं कि कब गणपति बप्पा की बाहर के विसर्जन के लिए। देखिए वो गली जो है जहाँ से अंदर जाया जाता है, सामने आपको जो है गणेश पंडाल है, वहां से वो निकाले बाहर की तरफ शोभा यात्रा निकलेगी। तो सुनील, सुरक्षा के इंतजाम जो है वो भी खास तौर से आज किए गए क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है विसर्जन के लिए। जी बिल्कुल, 25,000 जो जवान हैं पुलिस के वो तैनात रहते हैं सड़कों पर, विसर्जन स्थलों पर। तकरीबन 75 ऐसे जो हैं कि कृत्रिम विसर्जन स्थल हैं जो कि, और 268 के आसपास जो कृत्रिम हैं और 75 के आसपास है जो प्राकृतिक विसर्जन स्थल, जैसे गिरगांव चौपाटी हुआ, वर्ली हुआ, दादर हुआ, जुहू चौपाटी, मढ़ है, मारवे है, तो वहाँ पर भी व्यवस्था की जाती है। और कुल मिलाकर 5,000 से ज़्यादा सार्वजनिक गणेश उत्सव यानी कि सार्वजनिक बड़ी गणेश मूर्तियां जो है कि वो विसर्जन के लिए ले जाई जाती हैं। और इसके अलावा लगभग 40,000 के आसपास घरगुती यानी कि जो घरों में गणपति बिठाते हैं उनका विसर्जन किया जाता है। तो इस दौरान पूरा शहर हम कह सकते हैं कि सड़कों पर उतर रहता है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था एक बहुत बड़ी चुनौती होती है पुलिस के लिए, इसीलिए ज्वाइंट सीपी सीपी से लेकर सभी बड़े अफसर सड़कों पर उतरते हैं। इस दौरान ड्रोन से कैमरे से भी नजर रखी जाती है, सीसीटीवी कैमरे जो है लगभग 7,000 मुंबई की सड़कों पर जो है उनसे नजर रखी जाती है। और सादे कपड़ों में भी बहुत से ऐसे पुलिस के जवान रहते हैं जो कि नजर रखे रहते हैं, क्योंकि आप भीड़ का आलम आप देखेंगे तो इतनी भीड़ बढ़ जाती है। अभी देखिए यहाँ पर स्वागत के लिए 20 रुपए की नोटों की माला एक बनाई जा रही है, जो कि गणपति बप्पा जब लालबाग के राजा यहाँ से जब इस तरफ से सवारी गुजरेगी तो उन्हें ये माला पहनाई जाएगी। तो इसी तरह अलग अलग जगहों पर लोग अपनी अपनी तरफ से भव्य स्वागत करते हैं, उसकी व्यवस्था की जाती है। यही वजह है कि आज सुबह अब सबसे 11 बजे से लालबाग के राजा यहाँ से निकलेंगे, लेकिन इनकी सवारी गिरगांव चौपाटी तक पहुँचते कल सुबह 7:30 बज जाएंगे और तब जाके उनका विसर्जन हो पाता है। और तभी तक सभी गणेश भक्त उनकी सेवा में उनके दर्शन के लिए लगे रहते हैं। आज बिल्कुल सुनील, और आपके जरिए हमारे दर्शक भी जो मुंबई में नहीं है, जो लालबाग के राजा तक नहीं पहुंच पाए, वो दर्शन कर रहे हैं। तो मन्नतों के राजा कहा जाता है लालबाग के राजा को यहाँ पर, और पूरे मुंबई का आज यही आलम है और महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज विसर्जन इसी तरह से हो रहा है। भीड़ है काफी भक्तों की और धूमधाम से बप्पा को विदाई दी जा रही है।